माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री सीसराम ओला। मैं सीसराम ओला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्य रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सीसराम ओला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मैं मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री ऑस्कर फर्नांडिस। I, Oscar Fernandez, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Oscar Fernandez, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought to my consideration or shall become known to me as a minister for the union, except as may be required for the duty for the due discharge of my duties as such minister. Yeah.
Dr. Girija Vyas. मैं गिरिजा व्यास ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गिरिजा व्यास ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगे। Dr. Kavuru Sambha Sivarao. I, Kavuru Sambha Sivarao, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Kavuru Sambha Sivarao, do swear in the name of the God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Ministers of State, Shri Manik Rao H. Gawit. मैं मानिक राव होल्डिया गावित ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं माणिकराव होल्डिया गावित ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य को समग्र निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यक्ष रूप से संचुचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती संतोष चौधरी। आई संतोष चौधरी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ इन एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल Essentially, discharge my duty as Minister of State for the Union and that I will do right all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Santosh Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर ई एम एस नचियाप्पन। आई एरियूर माधवन सुदर्शन नचियाप्पन डू स्वियर इन द नेम ऑफ द गॉड दैट आई विल बेयर ट्रूथ फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Eriyur Madhavan Sudarshan Nachiyappan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री जेसुदासु सीलम। आई जेसुदासु सीलम डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली and conscientiously
discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jesudasu Seelam, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह समाप्त किया जाए।